नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पार्ट टू में आपसे बात करेंगे कि कैसे हम अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि अपना आत्मविश्वास बढ़ाना बहुत ही आसान है, जस्ट अपनी जो वीकनेस है उसके ऊपर फोकस नहीं करना, अपना जो ध्यान है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है तथा अपनी स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा देना है, इतना ही बढ़ा देना है कि आपकी वीकनेस का जो बैलेंस है वो दिखे ही ना। जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, वैसे ही दुनिया के सब ग्रेट व्यक्ति हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसमें कोई नुक्स ना हो, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसमें वीकनेस ना हो। बट जो स्मार्ट व्यक्ति होते हैं, जो वाइस व्यक्ति होते हैं, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं, वो अपना जो ध्यान है उन वीकनेस के ऊपर नहीं रखते, अपना सारा ध्यान अपने पोटेंशियल के ऊपर केंद्रित करती हैं। तो अगर आपने ये पार्ट वन नहीं देखा तो कार्ड्स में देख लीजिए, नीचे लिंक्स में देख लीजिए, एंड में होगा कार्ड, उसमें देख लीजिए। ओके, तो आज हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे। पार्ट वन में एक बात और भी कही थी कि जब हम अपने पोटेंशियल के ऊपर फोकस करते हैं तो उनमें दो चीजों का खास ध्यान रखना है। वन, कि हमें अपनी अच्छी आदतें बनानी है, क्योंकि ऑलरेडी जो आदत है वो हमारा पोटेंशियल होता है, किसी भी तरह की आदत बना सकते हैं, इसलिए वो हमारी क्षमता होती है अच्छी या गंदी। तथा इसी तरह इमोशंस होते हैं, अच्छे या गंदे, नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन हम बना सकते हैं, किसी को हेट तथा किसी से लव कर सकते हैं। तो आइए सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। अब सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है? फिक्स द गोल ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। जब आपने सारा ध्यान केंद्रित कर दिया अपने पोटेंशियल की तरफ, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में, अपने प्लस पॉइंट्स में, तो आपने अच्छी अच्छी आदतें बनाना स्टार्ट कर दिया। अब उन अच्छी आदतों में, उन अच्छे इमोशंस में आपको गोल फिक्स करने पड़ेंगे। कोई भी 1000 तरह की अच्छी आदतें होती हैं, हर किसी में अच्छे अच्छे गोल बना सकते हो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस में। नॉर्मल तो परफॉर्म सब करेंगे, उससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, उससे आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, उससे आपको पीस नहीं मिलेगा, उससे आपको हेल्थ नहीं मिलेगी। उसमें बिगेस्ट गोल बनाना पड़ता है। तो फिक्स जो सेकंड स्टेप है, फिक्स द गोल ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। अब यह मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। देखो, आपकी बैड हैबिट है, मान लीजिए 8 बजे सुबह उठते हो, सुबह भी नहीं कह सकते क्योंकि सन आ चुका है, 5:30 बजे तक तो सूरज देवता भी आ जाते हैं, उससे 1 घंटा पहले उठना चाहिए, 2 घंटे पहले उठना चाहिए। इस गंदी का आदत की वजह से आपका टोटल डाइजेशन सिस्टम खराब, लीवर खराब, आपका हार्ट खराब, आपका ब्रीथिंग भी अच्छा नहीं आता, जो गैस था वही आप सींकते रहते हो। तो ऐसा नहीं करना, आपने एक बिगेस्ट गोल बना देना है कि मुझ में शक्ति है कि मैं सुबह उठ सकता हूँ। अपनी शक्ति तो है ना, क्षमता तो है। तो आपने अपना जो अच्छी आदत है 3 से 4 बजे तक उठना है, 3 बजे से 4 बजे तक, इससे लेट नहीं होना। तो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस गोल 3 बजे सुबह उठना, 4 बजे सुबह उठना हो सकता है, 3 से 4 बजे के बीच में सुबह उठना हो सकता है। ओके, तो यह बिगेस्ट गोल हमने बना लिया। अब हमें क्या है कि नॉन स्टॉप 30 दिनों में, 4 दिन की चांदनी वाला काम नहीं होना चाहिए, 30 दिन नॉन स्टॉप चलना चाहिए, तभी तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, उससे मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जब सभी पीसफुल होते हैं मैं अपना काम कर सकता हूँ, अपने गोल के ऊपर लक्ष्य रख सकता हूँ। तो पहले ये अच्छी आदत का गोल बनाइए, जिंदगी का गोल तो बाद में अचीव होंगे। ओके, तो इसको कैसे सीखा जा सकता है, कैसे मैं
तीन तथा चार बजे उठ सकता हूँ, कैसे मैं रात को आठ बजे सो सकता हूँ, कैसे मैं फ्रूट्स खा सकता हूँ, कैसे मैं अपना बिहेवियर अच्छा कर सकता हूँ, अपनी सोच को बदल सकता हूँ। बहुत सिंपल सा है, एक सर्जन से सीखिए। हालांकि यह सिस्टम जो है नेचुरोपैथी का है, नेचर का है, हम विदाउट सर्जरी सबको बताते हैं, बट सीखना तो कहीं से भी सीख सकते हैं। आई लर्न फ्रॉम ए सर्जन, जो सर्जन होता है वो मान लो किसी का रोड में एक्सीडेंट हो गया, उसकी बोन टूट गई, उसका ऑपरेशन करना है, या उसकी वेंस फट गई है, या उसकी स्किन इंजरी हो गई है एक्सीडेंट में, उस टाइम सर्जन का जो नॉलेज है वो यूज होता है, तो वो परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करता रहता है, सीता रहता है सुई धागे से। ये देखो सुई धागे से सीखती है, छोटे छोटे टांके वो सीना सीखता है। कितने साल आफ्टर द कंप्लीट अपना जो सर्जरी का कोर्स है उसके बाद भी कितने साल वो प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो परफेक्ट सर्जन बनता है। उसके बाद भी वो परफॉर्म करता रहता है, नया सीखता रहता है, नया सीखता रहता है, तो बेस्ट सर्जन ऑफ द सिटी, बेस्ट सर्जन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट सर्जन ऑफ द नेशन, इंटरनेशनल बेस्ट सर्जन बनता है। तो बेस्ट लोग बेस्ट लोगों के पास जाते हैं। तो आप भी अगर अपनी अच्छी आदतें बनानी है तो इसको अपने दिमाग में रख सकते हो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास 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 से आदमी परफेक्ट हो जाता है। ओके, आपने अपना ध्यान अभ्यास की तरफ लगाना है। कोई बात नहीं, आज 8 बजे से मैं 7 बजे उठाऊं, कल मैं 6 बजे उठूंगा, उसके बाद मैं 5 बजे उठूंगा, उसके बाद मैं 4 बजे उठूंगा। मैं भी ऐसा था, मैंने भी रात को 1-1 बजे तक स्टडी किया, 2 बजे तक किया और सुबह 10 बजे तक सोया। बट जैसी नॉलेज आ गई कि यह सेहत के लिए अच्छा नहीं, हेल्थ इज बिगेस्ट वेल्थ इन द वर्ल्ड। ओके, तो हम सुबह 3 बजे उठते हैं, तो आदत तो पीछे से चलती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते 5 बजे की प्रैक्टिस की, 4 बजे की प्रैक्टिस की, अब नॉन स्टॉप 3 बजे उठते हैं हम, तो आत्मविश्वास, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम मिलता है गोल को, अपने लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए। ओके, तो ऐसा आप भी कर सकते हो, तो प्रैक्टिस कीजिए। अब यह भी ध्यान रखना है कि यह जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसमें और क्या क्या किया जा सकता है प्रैक्टिस के अलावा, तो थर्ड स्टेप हमारा स्टार्ट हो जाता है कि मैं कैसा सिस्टम बनाऊं। प्रैक्टिस तो करूंगा बट नेगेटिविटी आपका रास्ता रोक लेगी। अरे भाई सो जा, अभी इतनी जल्दी क्या है, 7 बजे उठ जाना, आराम से काम चलेगा। अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी लेट सो लेंगे, 10 बजे सो लेंगे, 11 बजे सो लेंगे। जैसे ही आप 8 बजे सोने को रेडी होते हो तो यह नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ती। अरे मैं तो पहले ही बीमार हूं, बीमार व्यक्ति को ज्यादा सोना चाहिए, बीमार व्यक्ति को काम कम करना चाहिए, तो इस तरह की जो नेगेटिविटी है आपको खा जाएगी। कमजोर बंदे में शक्ति कम होती है, उसको तो लेट ही उठना चाहिए। ओके, तो बीमारी बढ़ जाती है। तो थर्ड स्टेप, टॉक ओनली पॉजिटिव योरसेल्फ, खुद से हमेशा ही पॉजिटिव बात कीजिए। पॉजिटिव बात करोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। मेरा तो डेली रूटीन है कि कुछ समय, कुछ टाइम मैं अपने आप को देता हूं, अपने आप से पॉजिटिव टॉक करता हूं। तो यह जो पॉजिटिव टॉक है ये बहुत काम की चीज है आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में के लिए। अगर 1.3 बिलियन इंडियंस जो हैं, और तथा पूरे वर्ल्ड को भी काउंट कर लूं, सब के अंदर जो बात चल रही है तथा वो बात मैं हेडफोन लगा के सुन सकूं, तो यह सारी दुनिया नेगेटिव बात कर रही है। क्या बात कर रही है मैं आपको बताता हूं। मैं बीमार हूं, जिस घर में चले जाओ शब्द है मैं बीमार हूं। पूछो मम्मी से, पूछो पापा से, पूछो मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी लात में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे तो
साइटिका का पेन है, अरे 20 दिन हो गए गोली खाते हुए, असर नहीं कर रही, मैं तो बीमार हूं। तो इस बीमारी की वजह से मैं निकम्मा हो चुका हूं, मैं निकम्मी हो चुकी हूं, मैं किसी काम के नहीं, मेरे से काम नहीं होता, एनर्जी नहीं है मेरे में। आई एम स्ट्रेसफुल, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, इस बीमारी की वजह से कब ठीक होगी, मुझे बहुत छेती थकान हो जाती है, मैं थक जाती हूँ, मुझसे काम नहीं होता, अरे यहां से यहां जाती हूँ पानी लेके आती, मैं थक जाती हूँ, मुझसे काम नहीं होता, मैं परेशान हूं, मुझे उलझन है, मुझे समस्या है। किसी भी घर में चले जाइए पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका, फ्रांस, इटली, इंडिया, जर्मनी, सबका हेडफोन अगर मैं अपने कान में लगा दूं, अगर आपके कान में लगा दूं, आप तो खुद कह रही हो मैं बीमार हूं, दुनिया कह रही है मैं बीमार हूं, क्योंकि आत्मविश्वास नहीं है, सभी डरे हुए हैं। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होगा वो थर्ड स्टेप को जानता है, वो हमेशा ही पॉजिटिव टॉक करता है, डेली कहता है, क्या कहना है, पॉजिटिव टॉक स्टार्ट, ये कहने से मैं बीमार हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं किसी काम का नहीं, मैं स्ट्रेसफुल हूं, मैं थकी हुई हूं, मैं थका हुआ हूं, मुझे उलझन है, यू हेट योरसेल्फ, आप खुद से नफरत करते हो। मान लो कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसका स्ट्रेसफुल है, आप उसको पॉजिटिव कहते हो, भैया तू ठीक हो जाएगा, भैया तेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, आशावादी बन, तो ऐसे कहते, बट यही बात आप अपने आप को क्यों नहीं कहते, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हूं, आगे भी ठीक होता रहूंगा, समस्या हल हो जाएगी, स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो स्टार्ट टू लव योरसेल्फ एंड टॉक, कैसे टॉक करना, आई एम हेल्थी, मैं सेहतमंद हूं, ये बहुत अच्छा शब्द, टोटल देखो यहां बोर्ड है ना, इतना बोर्ड में बड़ा सा आप लिख लो, आई एम हेल्थी, ठीक। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है हेल्थ के संबंध में, आई एम स्ट्रेस फ्री, आई एम फीलिंग गुड, आई एम होपफुल, आई हैव एबिलिटी टू टेक द डिसीजन, फटाफट डिसीजन लेने की मुझ में शक्ति है, आई लव नेचर, मैं तो नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूं, तो आई लव नेचर, आप भी एक नेचुरोपैथी के डॉक्टर हो, जो नेचर से लव करता है वो नेचुरोपैथी डॉक्टर बन जाता है। I am wonderful creation of God. उस बनाने वाले ने इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, बहुत एडवांस सिस्टम, तो उसके लिए थैंक्स, उसकी क्रिएशन हूं मैं, ये याद रखना, इट इज ए पॉजिटिविटी, ओके। तो यह चीजें आपको शक्ति देंगी, तो यह आपने डेली लिख लीजिए कॉपी पे, एक बार फिर मैं बता रहा हूं, I am healthy, I am stress free, I am hopeful, I have ability, I love nature, I am wonderful creation of God. तो ये लिख लीजिए, बोलते रहिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको अपनी परफॉर्मेंस के संबंध में भी पॉजिटिव रहना है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। जैसे पास्ट में मैंने अच्छा परफॉर्म किया, अपनी कोई भी अचीवमेंट याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, आपको ऐसे एम्प्लॉई अवार्ड्स मिले, आपने अच्छा बिजनेस किया, कुछ भी, उसको कनेक्ट कीजिए जो आपका नया गोल है। अचीवमेंट नोटबुक लिखिए, वो आपके लिए बहुत बेस्ट है, तो उससे क्या है कि बार बार आप अपने आप को बेस्ट कीजिए, कोई बात नहीं, मुझे सेहत के संबंध में समस्या है, बट मैंने अपने लाइफ में बहुत सारा सक्सेस प्राप्त किया, इस चैलेंज को भी मैं लूंगी तथा मैं टोटली फिट हो जाऊंगी, फिट से फिटेस्ट। पास्ट में मैंने अच्छा परफॉर्म किया, अब मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, कल मैं इससे भी अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो मैंने तीनों चीजें ले ली कि आप की जो परफॉर्मेंस है पास्ट में अच्छी थी, अभी भी अच्छी कर रही हो, फ्यूचर में भी अच्छी होगी। तो इस तरह से ट्रस्टफुल, होपफुल आपको शब्दों को डेली बोलना होगा, नॉन स्टॉप 30 डेज के लिए, नॉन स्टॉप 12 मंथ्स के लिए, जैसे जैसे बोलते जाओगे अंतर आत्मा जा उठेगी।
आपके अंदर का वॉइस मैन जाग उठेगा तथा जब वो जाग उठेगा तो आप हेल्थी हो जाओगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप हैप्पी हो जाओगे, आप पीसफुल हो जाओगे। तो एक बार फिर बता देता हूँ, दो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमने ले चुके हैं फर्स्ट पार्ट में कि अपना फोकस अपने पोटेंशियल के ऊपर रखना है। सेकंड पार्ट में मैं बता रहा हूँ कि आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, जो आपका जो फोकस है, पोटेंशियल, आपकी जो क्षमता है, आदतें, गुड हैबिट्स, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस का गोल फिक्स करना है। गोल, अपना ध्यान गोल की तरफ लगाइए, गोल, तथा इस गोल को अचीव करने के लिए प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करते जाना है अच्छी आदतें बनाने के लिए, 1000 अच्छी आदतें बनाने के लिए। तथा इसमें जो रुकावट आती है आपको आपके माइंड की, अपनी नेगेटिविटी, दूसरों की नेगेटिविटी, दूसरों की नेगेटिविटी को कान बंद कर सकते हैं बट अपनी नेगेटिविटी सबसे ज्यादा खा जाती है, अपनी निराशा आदमी को खा जाती है। उसके लिए हमेशा ही पॉजिटिव टॉक करना है, हमेशा ही अपने आप से सकारात्मक बात करनी है, बात करते रहनी है, तो आप हेल्थी हो जाओगे। ओके, तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। अगर आपने मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9352 3 5 6 2 3 4 9 2 5। ओके दोस्तों, आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।